समाचार प्लस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 15 जून तक 90% सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब जबकि 15 जून में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2-3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन दावा उनका बरकरार है कि 90% सड़कें, पहले 100% कहा गया लेकिन अब कह रहे हैं कि 90% सड़कें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो सड़कों की स्थिति समाचार प्रेस ने आपको दिखाई थी तो उसमें ये नामुमकिन ही लगता है। जी हाँ, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। लेकिन यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब तक 80-85% सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। केंद्र के साथ मिलकर सरकार तेजी से काम कर रही है। रेलवे अंडरपास, आरओबी और सड़कों के लिए एक निधि निर्धारित है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस यूपी को एमपी नहीं, यहाँ पर यूपी को लेकर जिस तरह से साजिश रच रही है कांग्रेस, उनकी साजिश को वो नाकाम करेंगे। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की साजिश से जिस तरह से वहाँ पर तनाव बना हुआ है, किसानों को लेकर मुश्किलें बढ़ी हैं, तो वो यूपी को एमपी नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, उत्तर प्रदेश के हाईवे बेहतरीन बनेंगे और साथ में ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी। केशव मौर्य हमारे साथ है, डिप्टी सीएम है। सर, जिस तरीके से कल 1,00,000 करोड़ के आसपास का फैसला किया गया जिसमें 73 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, 10,000 करोड़ तो केंद्रीय सड़क निधि से आया है, लेकिन कब तक ये अमलीजामे पे हो पाएगा? क्योंकि अगर बजट की बात करें, बजट बहुत बड़ा चाहिए और पुरानी सरकार ये काम नहीं कर पाई। देखिए, हम कोई भी काम जितनी जल्दी हो सकता है उससे भी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए और विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, जैसा कि कल माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व वाली जो मंत्रालय है, चाहे वो भूतल परिवहन मंत्रालय हो चाहे जल मार्ग का मंत्रालय का काम उनके पास दोनों है, और दोनों दृष्टियों से उत्तर प्रदेश को कल एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। 1,00,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी है। जल मार्ग जो हल्दिया से वाराणसी तक था, उसे वाराणसी से संगम तक पहुंचाने और कुंभ में जल मार्ग के द्वारा भी लोग संगम स्नान के लिए आ सके, ऐसा प्रबंध करने का उन्होंने निर्णय लिया है। सर, गड्ढा मुक्त सड़क होनी थी, 15 तारीख मुकर्रर की गई थी, अभी भी बहुत सारी सड़कों में गड्ढे हैं, कब तक मुक्त हो पाएंगे? बजट मिल गया क्या उसके लिए? कितने गड्ढे मुक्त हो गए उसको भी जरा ध्यान दीजिए। तो आप 100 में से हमें आप 85-90 नंबर देंगे। बहुत तेजी से काम हुआ है और इतना तेजी से किसी सरकार ने गड्ढा मुक्ति के लिए कभी काम नहीं किया है। और जो काम गड्ढा मुक्ति का इस समय हो रहा है, विपरीत परिस्थिति में हो रहा है, इसके बावजूद टेंडरिंग हमने लागू किया, तमाम उसके कारण भी समस्या आई। मटेरियल का थोड़ा शॉर्टेज था, एनजीटी के आदेश थे, पट्टे नहीं थे, उसके कारण भी समस्या थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं आज 13 तारीख है, 15 तारीख शाम तक हम 85-90% सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने में काम। चलिए, नीति भी है और नियोजन भी है जिसके तहत बजट बनाया जाएगा और बजट के तहत विकास का काम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, सड़कों से लेकर रेल मार्ग तक। कैमरामैन रजनीश के साथ राहुल अवास, दिल्ली समाचार प्लस।